कोरियन मूवीज स्पेशली अपने क्राइम थ्रिलर और स्टोरीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। कोरिया की मूवीज अपने आप में ही लाजवाब होती है। हमारे दिल और दिमाग के साथ कैसे खेलना है ये कोई कोरियन मूवीज से सीखे। इनके सामने तो हॉलीवुड की मूवीज भी फीकी लगने लगती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी टॉप 5 मूवीज के बारे में जो आपको इतनी पसंद आने वाली है कि आप इन्हें देखने के बाद इनके जैसे ही और मूवीज ढूंढने लगोगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर पर है द विच। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इसको IMDb पे 7.1 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी है एक लड़की की जिसपे एक्सपेरिमेंट कर करके उसके अंदर खतरनाक पावर्स भर दी गई हैं और फिर एक रात अपनी उसी पावर्स का इस्तेमाल करके वो वहाँ से गायब हो जाती है और किसी दूसरी फैमिली के साथ रहने लगती है। वैसे तो एक सिंपल सी लड़की है, लेकिन जैसे जैसे इसका पास्ट सामने आता है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। ये मूवी ड्रामा से थ्रिलर में कब बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और इस मूवी के एक्शन सीन्स की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और नॉर्मली जो सस्पेंस थ्रिलर मूवीज होती हैं उनके एंड में जाके सस्पेंस खुलता है, लेकिन इस मूवी के हर एक मोमेंट पे आपको ऐसा फील होता रहेगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है लीडिंग एक्टर कीम नामी को। इसके फेशियल एक्सप्रेशन टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसका सेकेंड पार्ट 2020 में रिलीज होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया और उसे 2022 में रिलीज किया गया। 4th नंबर पर है द वेलिंग। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसे IMDb पे 7.4 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे अजीब से गांव से, जहां कुछ दिनों से दिल दहला देने वाले मर्डर्स हो रहे हैं। और अजीब बात तो ये है कि सभी मर्डर्स के कातिल वहां पे मौजूद होते हैं, पर इनकी हालत देख के ऐसा लगता है कि ये अपने होश में ना होके किसी के वश में है। अब इन मर्डर्स की मिस्ट्री को सुलझाने की जिम्मेदारी एक ऐसे पुलिस वाले को दी जाती है जो बहुत ज्यादा कामचोर होता है। पहले तो ये इस केस को काफी लाइटली लेता है, लेकिन बाद में जब इसकी बेटी भी बाकी सब की तरह किसी के वश में हो जाती है तो ये मामला इसके लिए थोड़ा सीरियस और पर्सनल हो जाता है। लेकिन एक और चीज जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी वो है ये औरत जो हर टाइम उस जगह पे मौजूद होती है जहाँ मर्डर्स होते हैं। अब असली भूत कौन है ये जानने के लिए तो आपको ये पूरी मूवी खुद देखनी होगी। 3rd नंबर पर है ट्रेन टू बुसान। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है और इसे IMDb पे 7.6 रेटिंग मिली है। ये मेरी फर्स्ट कोरियन मूवी थी और आई होप ये मूवी तो मोस्टली सभी लोगों ने देखी होगी। और अगर किसी ने नहीं देखी तो आप अभी तक क्या कर रहे हो, फटाफट से जाके देखो। और स्पेशली अगर आपको इमोशनल मूवीज पसंद है तो ये आपकी फेवरेट मूवी बन जाएगी। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में वायरस अटैक दिखाया गया था जिससे लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। कहानी में एक पिता अपनी बेटी को लेकर ट्रेन में बुसान जा रहा है, लेकिन रास्ते में वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। कैसे वो अपनी बेटी को दूसरों से बचाते हुए अपनी जान दे देता है यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में इमोशंस और टेक्निक को बहुत ही लाजवाब तरीके से दिखाया गया है और इसकी एंडिंग देख के तो आपको भी मेरी तरह रोना ही आ जाएगा। 2nd नंबर पर है आई सॉ द डेविल। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसे IMDb पे 7.8 रेटिंग मिली है। और गाइस जैसे कि सभी लोगों को अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन क्या होगा जब कोई इंसान दुआओं में अपनी ही मौत मांगे। अगर उस इंसान को तड़पा तड़पा कर इस कदर जिंदा रखा जाए कि उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगने लगे, तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगा। एक आदमी जो बिल्कुल साइको किस्म का होता है और वो सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, एक मासूम सी लड़की उस
उसका शिकार होती है और वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक देता है। तो पुलिस और उसके हस्बैंड को जब उसके टुकड़े मिलते हैं तो उसका हस्बैंड जिस तरीके से अपनी वाइफ का बदला लेता है वो देखने लायक है। और वो जब उस आदमी को ढूंढ लेता है तो उसे डायरेक्ट मारने की बजाय तड़पा तड़पा के मारता है, और ये सीन आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस मूवी में काफी ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं, और जो लोग डिस्टर्बिंग मूवीज देखना पसंद नहीं करते तो ये मूवी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इस मूवी का हिंदी रीमेक भी बन चुका है जिसका नाम है एक विलन। फर्स्ट नंबर पे है पैरासाइट। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पे 8.5 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में दो फैमिलीज पे फोकस करा गया है। पहली है किम फैमिली, जिनकी लाइफ एक छोटे से बेसमेंट में जैसे तैसे कट रही है, क्योंकि वो बेसमेंट किसी नर्क से कम नहीं है और इनमें से किसी के पास ना तो कोई नौकरी होती है और ना ही पैसे कमाने का कोई और जरिया, इसलिए खाने पीने का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से होता है। और दूसरी तरफ है पार्क्स फैमिली, जो एक हाई क्लास फैमिली है। इनकी एक अलग ही पहचान है, लोग इनकी इज्जत करते हैं और साथ ही साथ इनके जैसे बनने का सपना भी देखते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पार्क्स फैमिली में किम फैमिली की एंट्री होती है। ये अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं, कोई टीचर बन के आता है तो कोई डॉक्टर, और फिर इनके घर में लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। अब ये इनके हाथ में है कि या तो ये इस फैमिली का फायदा उठा के अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खुशी खुशी से रहें, या फिर वो काम करें जिसके लिए एक पैरासाइट मशहूर होता है, यानी अपने होस्ट को ही मार के खा जाएं। अब इसके आगे क्या होता है ये तो आपको खुद देखना होगा, और मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा कुछ आपने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो ये थी हमारी टॉप 5 बेस्ट कोरियन मूवीज। इनमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।